बिहार के आरा में महिला सिपाहियों की एक खास टीम बनाकर कोचिंग व स्कूल के आसपास छात्राओं को सुरक्षा में लगाया गया है। 8 महिला पुलिस कर्मियों की टीम पूरे दिन छात्राओं को सुरक्षा के लिए न सिर्फ सावधान रहती हैं, बल्कि लड़कियों को परेशान करने वाले उचक्कों को भी सीधा करती हैं। भोजपुर SP प्रमोद कुमार ने बताया कि इस टीम के द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया जा रहा है, इसे और आगे विस्तार किया जाएगा। भोजपुर पुलिस की महिला सहयोगी टीम स्कूली छात्र छात्राओं की सुरक्षा के साथ साथ गुड टच और बैड टच को लेकर जागरूक भी कर रही है। छात्र छात्राओं को पढ़ने और अभिभावकों के साथ स्कूल का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित भी कर रही है। इसके लिए टीम अहले सुबह से देर शाम तक पेट्रोलिंग करती है। टीम स्कूल व कोचिंग संस्थानों के आसपास मंडराने वाले मंचलों से लेकर सड़क पर घूमने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। बिना हेलमेट और ट्रिपल लोड कम उम्र के बाइकर्स की जांच कर रही है। अभिभावकों को कॉल करके बाइक नहीं देने की नसीहत भी दी जा रही है। SP प्रमोद कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य स्कूल व कोचिंग में पढ़ने वाली छात्राओं को सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि छात्राएं भय मुक्त होकर पढ़ाई कर सके और अपनी दिनचर्या पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि स्कूल व कोचिंग के आसपास अक्सर मनचले और शरारती तत्व घूमते रहते हैं। इस वजह से स्कूल और कोचिंग जाने वाले बच्चे खासकर छात्राओं को परेशानी होती है। अब महिला ब्रिगेड नाम की इस टीम के द्वारा बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस टीम को सावन महीने के बाद बढ़ाकर 12 महिला सिपाहियों को रखा जाएगा और 6-6 के हिस्सा में बांटकर पूरे शहर में छात्र हित में माहौल बनाएगी। ये टीम न सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुबह से शाम काम करती रहती है, बल्कि स्कूल और कोचिंग संस्थानों के आसपास घूमने वाले मंचलों के खिलाफ कार्रवाई भी करती है। स्कूली बच्चियों को गुड टच और बैड टच की जानकारी देते हुए जागरूक भी करती रहती हैं। 4 बाइक पर सवार 8 महिला सिपाही सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक स्कूल, कोचिंग और भीड़ भाड़ वाले एरिया में भ्रमण करती रहती हैं और छात्राओं को सुरक्षा प्रदान करती हैं। सर, बच्चियों को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस के द्वारा कुछ पहल किया जा रहा है, क्या मामला है? जी, आप लोगों को बताना है कि भोजपुर पुलिस लगातार जो है सभी आमजनों के साथ साथ खास करके जो है बच्चे बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो है बहुत ज़्यादा सतर्क है। और क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिहार में लगभग पटना के बाद सबसे ज़्यादा जो है स्कूली बच्चे तैयारी करने वाले या कोचिंग संस्थान या अन्य जो है कॉलेज और जो स्कूल है वो आरा में है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चों की संख्या खास करके कोचिंग वगैरह के संध्या और समय काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। और इसको लेकर जो है महिलाओं और बच्चों बच्चियों की सुरक्षा को लेकर एक यहाँ महिला सहयोगी टीम हमारी जो है लगातार जो है कार्य करती है, उसका गठन किया गया है। यह टीम जो है 4 बाइक से जो है 8 महिला हमारी कर्मी है, पुलिस कर्मी है, जो लगातार जो है घूमती रहती है। खास करके इनका हम लोगों को जो निर्देश हम लोग मैंने दिया है, इनका संकेंद्रण ऐसे जगहों पर रहता है जहाँ पर कोचिंग संस्थान है या स्कूल वगैरह है, जहाँ बच्चे बच्चियाँ शाम और सुबह निकलते हैं। और उसके बाद संध्या के समय जो है खास करके बाजारों में जहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहती है खरीदारी के लिए, तो इसमें महिला सहयोगी टीम हमारी लगातार कार्य करती रहती है। और बीच बीच में हम लोग समीक्षा करते रहते हैं कि एग्जैक्टली जो है कि किस क्षेत्र में हमें ज़्यादा जो है कि अभी अपना पेट्रोलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि बीच बीच में जहाँ पेट्रोलिंग होती है वहाँ से तो कई बार एंटी सोशल एलिमेंट या उचक्के जो भी होते हैं हट जाते हैं, लेकिन जो है दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। ये हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहते हैं, इससे बच्चों बच्चियों में जो है लोगों में जो है एक पॉजिटिव इसका मैसेज भी है। हम लोग लगातार इसमें कार्य कर रहे हैं और इसमें हम लोग इस टीम की जो है संख्या भी और बढ़ाने की उसमें है, तो बहुत जल्दी जो है कुछ अन्य जो है पुलिस कर्मियों को चयनित करते हुए इस टीम में डाला जाएगा, जिससे कि भोजपुर में जो भी स्कूली बच्चे बच्चियाँ हैं या महिलाएँ हैं वो जब भी संध्या सुबह कहीं जाते हैं भीड़ वाले इलाकों में जो है चोर उचक्कों या मनचले लड़कों से इनको जो है बचाया जा सके और ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सर, इसमें इस टीम में जो महिला पुलिसकर्मी है वो कुछ खास विशेषताओं की चयनित करने के लिए होती है? हाँ, देखिए, ऐसी जो महिलाएं हैं हमारी महिला पुलिस जो कर्मी है इनके लिए 2-3 मानक है। एक तो है कि ये जो है कि बाइक चलाना या इनको आना चाहिए जो है ये बाइक चलाना जानती हैं। दूसरा है कि ये थोड़ा सा फिट रहे, जो मेंटली भी रिटे रहे कि सुबह से शाम तक, क्योंकि ये टीम हमारी काफ़ी मेहनत करती है। सुबह 7-8 बजे से जैसे स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान खुलते हैं वहाँ से लेकर देर संध्या 7-8 बजे तक जो है ये लगातार कार्य करते हैं, बीच में 1 घंटे ही ब्रेक लेते हैं। तो जो इसके लिए तैयार और इच्छुक जो महिला कर्मी रहते हैं और जो गाड़ी चलाना जानते हैं, और इसके साथ साथ बीच में इनका संवेदीकरण भी किया जाता है कि जैसे महिला बाल और बच्चियों और इन सबके जो है बीच बीच में जाके जो है जो क्लासेस वगैरह हैं वहाँ पर इनको जो है उन्मुखीकरण कर सकें, बच्चों को बता सकें बैड टच गुड टच वगैरह क्या होता है। तो इस तरीके से ये टीम हमारी न सिर्फ जो पेट्रोलिंग करती है, बल्कि इसमें जो है अन्य कई गुण हैं जो कि बच्चों और बच्चों को जो है
जागरूक भी करती रहती है।